गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बेटा व्याकरण माधुरी का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे ओपन द व्याकरण बुक ओपन द पेज नंबर 1। बच्चों पार्ट 1 है, देखो बेटा हमारा भाषा व्याकरण और बोली। भाषा व्याकरण और बोली मानव जीवन को प्रकृति द्वारा प्रदान अनमोल उपहार है। भाषा का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। अपनी इस विशेषता के कारण मानव प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। भाषा संसार के व्यवहार का मूल है। हम सुख दुख जो भी कुछ अनुभव करते हैं उसे भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात भाषा ही मानव के पास एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। अगर हम भाषा की परिभाषा बताएं, भाषा क्या होता है? भाषा निश्चिंत जितने भी ध्वनियाँ संकेत या जो भी हम एक दूसरों के भावों को बोलकर या लिखकर अपने दूसरों तक पहुँचाते हैं अथवा दूसरों तक हम पहुँचाते हैं और संकेतों से बातें करते हैं, ये सब हमारी भाषा में आता है। भाषा के दो रूप होते हैं। नंबर 1 इज मौखिक, नंबर 2 है हमारा नेक्स्ट पेज पर लिखित, और नंबर 3 है हमारा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा देखो बेटा हमारा क्या होता है, मौखिक भाषा होता है हमारा, मौखिक में जो भी शब्द हमारे मुख मौखिक किससे मिलके बना है, मुख प्लस इक ही स्पष्ट करता है कि जिस भाषा के लिए केवल मुख का प्रयोग करते हैं उसे ही मौखिक भाषा कहेंगे। जो भी हम मुँह से बोलकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं ये सब हमारी मौखिक भाषा होती हैं। हम सब जानते हैं कि लिखने पढ़ने से पहले व्यक्ति बोलता और सुनता है। भाषा के सीखने का क्रम ही यही है, जैसे कि सबसे पहले हम सुनेंगे, सुनने के बाद फिर हम बोलेंगे, और अगर हमने बोला है तो हम उसे पढ़ेंगे सही, और पढ़ा है तो फिर हम उसे लिखेंगे भी सही। तो ये इनका क्रम होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिखित भाषा। नंबर 2 है हमारा बेटा लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है, जब हम लिखकर अपने मन की बात, भाव, विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि हम चिट्ठी लिखते हैं, पत्र, समाचार, पुस्तकों या लेखों के रूप में, ये जितने भी साहित्य हैं ये सब हमारी लिखित भाषा में होते हैं। ठीक है, विशेष बातें देखो, जैसे ये सत्य है कि भाषा के दोनों रूप बहुत बाद में विकसित हुए हैं। पहले तो अपनी बात शरीर के अंगों के संकेतों से ही करते थे। आज भी क्रोध के भाव को, अगर हम जब भी हमें कभी गुस्सा आ जाता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, और अगर हमें गुस्सा आ रहा हो तो हम दांत भींचकर और मुट्ठियां बांधकर प्रकट करते हैं। ऐसे ही है ये हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे हाथ से हंसना, उत्साह, लज्जा, शर्म आना, ये सब हमारे सांकेतिक भाषा में आते हैं। सांकेतिक भाषा में हमारे सभ्यता के विकास के पूर्व जब भाषाओं का विकास नहीं हुआ था उस समय मनुष्य संकेतों से समझाता था। जैसे कि मुंह और उंगली, मुंह पर उंगली रखकर हम कह देते थे बिल्कुल चुप हो जाइए, ये सब हमारी क्या थी, सांकेतिक भाषा। ये सब हमारी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। अगर हम किसी को बाय बाय कर रहे हो तो हम हाथ हिलाकर सांकेतिक हाथ हिलाकर कह देते हैं बाय बाय, तो ये सब हमारे सांकेतिक होते हैं। उसके बाद आई हमारी मातृभाषा। मातृभाषा होती है हमारी मदर टंग। बच्चे ये अपने परिवार, अपने माता पिता से जो भी सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषा परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा को सीख लेता है। यही उसकी मातृभाषा को सीखने के लिए हमें कहीं स्कूल वगैरह में नहीं जाना पड़ता है। मातृभाषा बच्चा अपने परिवार और अपने माता पिता से ही सीखता है। जैसे राष्ट्रभाषा क्या होती है, नेक्स्ट, राष्ट्रभाषा कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगता है तो वह राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो है हमारी हिंदी। उसके बाद बोली। बोली भाषा शब्द हमारा भास धातु से बोलने के अर्थ में ही हुआ है, किंतु यहाँ बोली शब्द का प्रयोग बोलने के उस अर्थ में है जिसे हम लिखित साहित्यिक भाषा से पृथक अर्थ में ग्रहण करते हैं। आज सामान्यतः यह माना जाता है कि बोली
बोली का साहित्यिक रूप नहीं होता, किंतु ऐसा नहीं है कि बोली का लिखित रूप में प्रयोग ना करते हों। आज तो ऐसे अनेक साहित्य को पुस्तकें हैं जिनमें बोली का प्रयोग करते साहित्य को अधिक यथार्थवादी तथा जनप्रिय बनाया जाता है। बोली हमारे लिए आज के टाइम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारी ये हिंदी, जो हिंदी आज राष्ट्रभाषा और साहित्य की भाषा है, इसका नाम खड़ी बोली है। ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी आदि ये सभी हमारी बोली हैं, किंतु खड़ी बोली के रूप में हिंदी भाषा की मान्यता पूर्व ये बोलियां स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि श्री रामचरितमानस इसी अवधी भाषा और सूरदास ब्रज भाषा में लिखे गया है, ये हमारे अमर ग्रंथ है। आज ये खड़ी बोली हिंदी की बोलियां कही जाती हैं। बोली का क्षेत्र सीमित रहता है तथा उसमें लोकवाणी की प्रधानता होती है। स्थानीय शब्दों में जिन्हें देशज कहते हैं, देशज की प्रधानता दी जाती है। जैसे साहित्यिक भाषा के समान बोली का रूप संवरा हुआ नहीं होता। बोलियां भाषा के कलेवर को पुष्ट करती हैं। हिंदी की अंतर्गत मगही, बुंदेलखंडी, गढ़वाली, कुमाऊनी, राजस्थानी, मारवाड़ी ये सब हमारी बोलियां हैं। अलग अलग, जैसे कि अलग अलग देश की अलग अलग बोलियां होती हैं। राजस्थान में राजस्थानी है ना, कुमाऊनी, गढ़वाली, बुंदेलखंडी ये सब हमारी अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं। ये हमारी लिपि, लिपि क्या होती हैं, लिखित भाषा के प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है। किसी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है, जैसे पंजाबी की गुरमुखी होती है, अंग्रेजी की रोमन, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, उर्दू की फारसी है, बंगाली, बांग्ला, कश्मीरी की शारदा। ये नेक्स्ट है तुम्हारी, ये कुछ और लिपियाँ हैं, जर्मन की रोमन, कोंकणी, देवनागरी, मराठा की देवनागरी, नेपाली देवनागरी, फ्रांसीसी, रोमन और अरबी, अरबी की हमारी अरबी ही होती है। ये साहित्य, साहित्य होता है हमारा लिटरेचर। वर्ण और भाषा के शब्दों में जो भी कुछ लिखा जाता है अपने व्यापक अर्थ में वह साहित्य कहलाता है। इस प्रकार हमारी भाषा में लिखा गया, जैसे भूगोल में हमने लिखा, कुछ गणित में हमने लिखा, इतिहास में, अर्थशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, वाणिज्य में, जो भी हम इन इन लैंग्वेजेस में, इन साहित्यों में जो भी लिखते हैं वो हमारे साहित्य होते हैं। जैसे ये सारे विषय उपयोगी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे सबका अपना अलग अलग उपन्यास होता है, जिसने जो भी कहानी लिखी है, किसी का कोई नाटक होता है, एकांकी होती है, ठीक है, कोई निबंध होता है, कविता होती है, ये सब हमारे साहित्य में आता है। परिभाषा है, ज्ञान राशि के सचित कोष का नाम ही साहित्य है। ये समाज व राष्ट्र का प्रमाण कहलाता है। जैसे कि व्याकरण क्या होता है हमारा, व्याकरण भाषा के नियम उपनियमों, व्याकरण को हम बिना नियम के नहीं कर सकते, युक्त ऐसा विशेष उपकरण है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आता है। व्याकरण हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाषा, भाषा से हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए, व्याकरण, व्याकरण शब्द हमारा व्याकरण से बना है, जिसका अर्थ है कि वी विशेषे आ भली प्रकार, करण अव्यवस्थित करना या अनुशासन से बांधना। अगर हमें व्याकरण के बारे में नहीं पता होगा तो ना ही तो हम सही से शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, ना ही शुद्ध लिख सकते हैं और ना ही शुद्ध बोल सकते हैं। व्याकरण को शब्द अनुशासन भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्याकरण का जन्म भारतवर्ष में ही हुआ था। यह सत्य है कि भाषा पहले बनती है और व्याकरण की आवश्यकता बाद में भाषा को व्यवस्थित करना, उसका रूप संवारने तथा उसकी चिरंजीवी बनाने के लिए होती है। भाषा से पहले हमें व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद।